Press the bell icon on your YouTube app and get the yummy updates on your mobile. हेलो एंड वेलकम टू आर जे पायल्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं परफेक्ट ढाबा स्टाइल गोभी पराठा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में लेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म होने लगेगा हम डालेंगे चुटकी भर हींग, 1 चम्मच जीरा, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक और साथ ही डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्चें। अब इन्हें मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए पकने देंगे। अब हम डालेंगे 2 कटे हुए प्याज और इन्हें करीब 1 मिनट के लिए या फिर जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक के लिए इन्हें पकाएंगे। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे हम उसमें डालेंगे कद्दूकस की हुई फूल गोभी। इसमें हमने 1 बड़ी गोभी ली है। गोभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद डालेंगे नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। अब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इन्हें ढककर 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 1 मिनट के बाद चेक करेंगे और फिर उसमें डालेंगे कुछ धनिया की पत्तियां, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। हमारी फिलिंग एकदम तैयार है। और अब हम पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए हमने लिया है गेहूं का आटा। इसे वैसे ही गूंथा है जैसे दूसरे पराठों के लिए गूंथते हैं। इसे सूखे आटे में लपेट लेंगे और उसके बाद इसे बेल लेंगे। हमें इसे थोड़ा सा बड़ा बेलना होगा क्योंकि फिलिंग इसमें मैं थोड़ी सी ज्यादा भरूंगी। थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि ये पराठा अच्छे से अंदर तक सिक जाए। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच गोभी की फिलिंग भरेंगे। फिलिंग मुझे इसमें ज्यादा पसंद है। पराठे में वैसे भी फिलिंग ज्यादा हो तो खाने का मजा ही अलग होता है। अब इसे इस तरीके से प्लेट्स बना बना कर बंद कर देंगे। ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन होगा तो उसे निकाल देंगे और फिर हल्के हाथों से इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि मसाला हर जगह फैल जाए। उसके बाद दोबारा सूखे आटे में हम इसे लपेट देंगे और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेल देंगे। फिलिंग अगर बाहर आए तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिकने के बाद बहुत अच्छी लगती है। और अब इस पराठे को गर्मा गर्म तवे पे हम सेक देंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम पर रहेगा। मीडियम आंच पर अगर आप पराठे को सेकते हैं तो वो अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद इसे पलट देंगे और फिर ऊपर घी लगा देंगे। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद इसे दोबारा पलट देंगे दोबारा दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे और दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से सेक देंगे। लीजिए गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल गोभी के पराठे एकदम तैयार हैं। इसे रायता या दही के साथ एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें।